प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का रविवार को दूसरा दिन रहा, जहां से पीएम मोदी ने देश को 5 नए एम्स की सौगात दी। इसके साथ ही 52,000 करोड़ से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लेकिन इस दौरान पीएम ने आस्था की ऐसी डुबकी लगाई जिसकी तस्वीरें अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दरअसल द्वारकाधीश में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी नौसेना के जवानों के साथ द्वारका के पास अरब सागर में स्कूबा डाइव करने पहुंच गए, जहां समुद्र के अंदर बीचोंबीच पीएम मोदी ने डुबकी लगाई और भगवान श्री कृष्ण को नमन कर प्रार्थना की। डुबकी लगाने से पहले पीएम मोदी ने कमर पर मोर के पंख भी बांधे हुए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने खुद शेयर की हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसलिए श्री कृष्ण की भव्यता और समृद्धि को याद करते हुए पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। अब इस अंदाज को देखकर लोग जमकर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम ने ऐसा किया हो। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साल की शुरुआत में लक्षद्वीप में जाकर समुद्र में डुबकी लगाई थी। बता दें, गुजरात के ओखा में बने सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी कृष्ण नगरी द्वारका पहुंचे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।